अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटर अकाउंटिंग में शिफ्ट करने पर आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। हमें विश्वास है कि अभी तक हमने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। हम चाहते हैं कि अभी तक आपने जो भी सीखा है उसका एक टेस्ट लिया जाए, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हम दो वीडियोस में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका टेस्ट भी हो जाए, साथ ही आप कुछ नई बातें भी सीख जाएं। फिर इन दो वीडियोस के आधार पर ही हम आपको कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में भी समझाएंगे, और इनके साथ ही हमारा टेलीप्राइम का बेसिक लेवल पूरा हो जाएगा और हम इंटरमीडिएट लेवल पर काम शुरू कर सकेंगे। हो सकता है इस वीडियो के अनुसार आपको काम करना थोड़ा कठिन लगे, पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो इससे भी ज्यादा कठिन काम करना पड़ेंगे, इसलिए धैर्य के साथ समझने और करने का प्रयास करें। इस वीडियो में हम आपको एक नई कंपनी बनाकर उसमें ओपनिंग बैलेंसेस डालते हुए लेजर्स और स्टॉक आइटम्स बनाना बताएंगे, और ऐसा करते हुए क्या समस्याएं आ सकती हैं ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली में किसी भी नई कंपनी को बनाते समय ओपनिंग बैलेंस की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। पहली है, जब हम कोई नया व्यापार या व्यवसाय शुरू करते हैं तो लेजर्स बनाते समय उनका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंसेस सिर्फ पहले से चल रहे व्यापार या व्यवसाय के ही होते हैं। दूसरी स्थिति, यदि आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं और वित्तीय वर्ष के बीच में ही टैली में अकाउंटिंग प्रारंभ कर देते हैं तो पहले आपको मैनुअल अकाउंट के सभी लेजर्स यानी जितने भी लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स हैं उनके बैलेंस की एक सूची बनाना होगी। इसी सूची को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। फिर उन सभी बैलेंस को टैली में लेजर बनाते समय ओपनिंग बैलेंस में डालना होगा। तीसरी स्थिति, यदि आप किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं और अगले वर्ष के आरंभ से कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स के बैलेंस होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के कोई बैलेंस नहीं होते हैं। आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप किसी कंपनी की मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं और किसी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर नए वित्तीय वर्ष से कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच बताया था कि ट्रायल बैलेंस की सहायता से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और उसमें इनकम और एक्सपेंसेस के सभी खातों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण ये खाते यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस के खाते समाप्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी बैलेंस शीट बनती है उसमें सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स के लेजर्स के बैलेंस ही रहते हैं। ये बैलेंस समाप्त हुए वर्ष के लिए क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, और इन्हें ही यानी लायबिलिटीज और एसेट्स के लेजर्स के बैलेंस ही अगले साल के ओपनिंग बैलेंस के रूप में टैली में नई कंपनी बनाकर लेजर बनाते समय ओपनिंग बैलेंस में डालने होते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप अच्छे से अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो सीरीज की शुरू की 10 वीडियोस, जिसमें पहली वीडियो इस सीरीज का परिचय है और उसके बाद की 9 वीडियोस जिनमें बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग यानी मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है, वो जरूर देखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी एक कंपनी है जिसमें हम वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 सितंबर 2020 तक मैन्युअली हिसाब किताब रखते थे और इसी वित्तीय वर्ष के बीच में 1 अक्टूबर 2020 से हम अपने हिसाब को कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर द्वारा मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए हमने 30 सितंबर 2020 को मैनुअल अकाउंटिंग के सभी अकाउंट्स यानी लेजर्स के जो भी बैलेंस हैं वो सब एक स्थान पर लिख लिए हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के बैलेंस जब एक स्थान पर रखे जाते हैं तो वो उस दिन का ट्रायल बैलेंस कहलाता है।
ट्रायल बैलेंस के नीचे ही हमने हमारे पास 30 सितंबर 2020 को जो स्टॉक है उसकी डिटेल्स भी दी है। ये स्टॉक 30 सितंबर 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और इस स्टॉक की टोटल वैल्यू भी यहाँ हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दी है। 30 सितंबर 2020 का ट्रायल बैलेंस 1 अक्टूबर 2020 को कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग ट्रायल बैलेंस माना जाएगा और इन सभी बैलेंसेस को हमें टैली में कंपनी बनाकर लेजर्स बनाते समय ओपनिंग बैलेंस के रूप में डालना होगा। इसी तरह 30 सितंबर 2020 का क्लोजिंग स्टॉक 1 अक्टूबर 2020 को कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा और स्टॉक आइटम्स बनाते समय सभी स्टॉक को क्वांटिटी और रेट सहित ओपनिंग बैलेंस में डालना होगा, तभी हम उस कंपनी में आगे काम कर सकेंगे। आपको काम करने में सुविधा हो इसके लिए हम इस ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के सभी लेजर्स को और स्टॉक आइटम्स को उनकी प्रकृति यानी नेचर के अनुसार ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के साथ दिखा रहे हैं। इसका पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, जिस पर आपको हमारे बताए अनुसार स्वविवेक से काम करना है और उसका जो रिजल्ट है उसका भी हमने पीडीएफ दिया है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस के नाम से एक कंपनी बना रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020 रखेंगे और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अक्टूबर 2020 लेंगे, क्योंकि हम 1 अक्टूबर से कंप्यूटर अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। कंपनी क्रिएट होते ही कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की पॉपअप स्क्रीन आ रही है, जिसमें कंपनी के फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अभी हमने आपको बिल वाइज एंट्री और जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया है, इसलिए इन ऑप्शंस को नो करेंगे। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस में लेजर्स के नाम, उनका बैलेंस और वे किस ग्रुप से संबंधित हैं ये दिखाई पड़ रहा है। अभी हम दो लेजर्स कैश और ओपनिंग स्टॉक को छोड़कर बाकी सभी लेजर्स ओपनिंग बैलेंस डालते हुए बना रहे हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। देखिए, जब हमने कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टाइप करके एंटर प्रेस किया तो उसके आगे अपने आप क्रेडिट आ गया है। इसका कारण ये है कि यहाँ अंडर में हमने कैपिटल अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट किया है जो कि लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है और ये टैली को पता है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि लायबिलिटीज और इनकम के खातों के बैलेंस प्रायः क्रेडिट होते हैं। इसी तरह असेट्स और एक्सपेंसेस के खातों के बैलेंस प्रायः डेबिट होते हैं। यही कारण है कि जब आप अंडर में ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार ही नीचे ओपनिंग बैलेंस में डेबिट क्रेडिट अपने आप आ जाता है। आप चाहे तो इन्हें बदल भी सकते हैं। चलिए अब एक खास बात समझ लेते हैं। देखिए, ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पर टोटल ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। जब हम किसी भी खाते में ओपनिंग बैलेंस टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो उसका प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डालकर एंटर प्रेस किया तो वो यहाँ भी क्रेडिट में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, हम जो भी लेजर नई कंपनी में बनाते जाएंगे, ध्यान रखने के लिए हमारे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में उसका कलर रेड करते जाएंगे। अब हम मोबाइल का भी एक लेजर बना लेते हैं। देखिए, जैसे ही हमने ओपनिंग बैलेंस डालकर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर अपने आप DR आ रहा है क्योंकि हमने अंडर में फिक्स्ड असेट्स ग्रुप सिलेक्ट किया है जो कि असेट्स के अंतर्गत आता है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि असेट्स के बैलेंस प्रायः डेबिट होते हैं। देखिए, जैसे ही हमने लेजर में ओपनिंग बैलेंस डालकर एंटर प्रेस किया, डेबिट बैलेंस होने के कारण यहाँ ऊपर टोटल ओपनिंग बैलेंस में भी वही अमाउंट डेबिट में भी आ गया है। इसी तरह हम जब भी कोई लेजर बनाकर ओपनिंग बैलेंस डालेंगे उसका प्रभाव यहाँ दिखता रहेगा।
साथ ही डेबिट और क्रेडिट दोनों का डिफरेंस इनके नीचे दिखता रहेगा और जब दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा तो डिफरेंस शून्य हो जाएगा। ध्यान रखें, डेबिट क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर होने यानी डिफरेंस शून्य होने पर ही हिसाब सही माना जाता है। इसी तरह हमने दो लेजर्स ओपनिंग स्टॉक और कैश को छोड़कर बाकी सभी लेजर्स बना लिए हैं। आप भी इसी तरह ओपनिंग स्टॉक और कैश को छोड़कर बाकी सभी लेजर्स सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर क्रिएशन की सहायता से बना लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैश का लेजर टैली में पहले से बना हुआ होता है, उसे बनाना नहीं पड़ता, तो अब हम अल्टर की सहायता से कैश के लेजर में अल्टरेशन करके ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैश का ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद भी यहां ऊपर 5,34,000 का क्रेडिट डिफरेंस आ रहा है। यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि हम ओपनिंग स्टॉक को छोड़कर बाकी सभी लेजर्स बना चुके हैं। चलिए अब ये जो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है इसे रिपोर्ट्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस पर चलकर भी देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस को हम आगे डिटेल में बताएंगे, अभी जितना जरूरी है उतना समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर डी की प्रेस करें, फिर टी प्रेस करें, फिर F2 प्रेस करें। अब जिस तारीख का ओपनिंग बैलेंस आप देखना चाहते हैं वो तारीख डालें। जैसे कि यहाँ हमने इस कंपनी में 1 अक्टूबर से काम शुरू किया है तो हम फ्रॉम और टू में 1 अक्टूबर डाल रहे हैं। ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करें। अब F12 की को प्रेस करें। शो ओपनिंग बैलेंस को यस कर दें, क्योंकि अभी हमने जो ओपनिंग बैलेंस डाले हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं। और शो क्लोजिंग बैलेंस को नो कर दें और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए, 1 अक्टूबर की पूरी डिटेल्स आ रही हैं और इसमें भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस के अंतर्गत वही अमाउंट दिखाई पड़ रहा है जो हमने कैश का लेजर ऑल्टर करते समय टोटल ओपनिंग बैलेंस में देखा था। इस ट्रायल बैलेंस को अच्छे से देखने के लिए यहाँ जिन सब ग्रुप्स के अंदर लेजर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उन पर जाकर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करें। ये देखिए, सभी ग्रुप्स, सब ग्रुप और लेजर्स के साथ उनके ओपनिंग बैलेंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। जब ट्रायल बैलेंस में इस तरह का डिफरेंस आता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे हमारे पास ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में जो लेजर्स हैं उनमें से कोई लेजर हम टैली में बनाना भूल गए हैं, या किसी लेजर के ओपनिंग बैलेंस में हमने गलत अमाउंट डाल दिया है, या किसी लेजर में ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद डेबिट या क्रेडिट सिलेक्ट करने में कोई गलती हो गई है, या फिर हमने कंपनी में इन्वेंट्री के खाते यानी स्टॉक आइटम्स नहीं बनाए हैं, क्या बनाकर उनमें बैलेंस नहीं डाला है या गलत बैलेंस डाल दिया है। यदि आपके ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में इस तरह का डिफरेंस आ रहा है तो आप इन स्टेप्स का अनुसरण करते हुए उसे ढूंढ सकते हैं। अभी हमारे इस डिफरेंस का कारण ये है कि हमने कंपनी में इन्वेंट्री के खाते यानी स्टॉक आइटम्स बनाकर उनमें बैलेंस नहीं डाला है। तो आइए हम स्टॉक आइटम्स के साथ ही स्टॉक के सब ग्रुप्स, ग्रुप्स और यूनिट्स बनाकर उनमें ओपनिंग स्टॉक डाल लेते हैं। हम आपको स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स और यूनिट्स बनाना पहले ही सिखा चुके हैं। देखिए, हमने सभी स्टॉक आइटम्स, उनके सब ग्रुप्स और ग्रुप्स बना लिए हैं, साथ ही उनका ओपनिंग स्टॉक भी डाल दिया है। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, एक्सेप्ट करते ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहा है जिसमें सभी ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और उनके अंतर्गत बने स्टॉक आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ समझने की बात ये है कि ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में ये जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिख रहा है उसे हमने टैली में कहीं भी नहीं डाला है, क्योंकि जैसे ही हम टैली में सभी स्टॉक आइटम्स बनाकर उनका ओपनिंग बैलेंस डालते हैं ये अमाउंट हमारे टैली के ट्रायल बैलेंस में अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाता है। वास्तव में ये सभी स्टॉक आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस का टोटल है।
चलिए वापस से ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ ओपनिंग स्टॉक में वही अमाउंट आ गया है जो हमारे स्टॉक आइटम्स का था और अब यहाँ कोई डिफरेंस भी नहीं है, मतलब हमने सभी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स सही ढंग से बना लिए हैं। अब हम इस कंपनी में आगे काम कर सकेंगे। इसका पीडीएफ भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ही इसी तरह से पूरा काम करें और फिर पीडीएफ से मिला लें। यदि कुछ गलती दिखे तो फिर से पूरा चेक करें या नई कंपनी बनाकर काम करें। इस वीडियो में हमने आपको बताया मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटर अकाउंटिंग में शिफ्ट करने पर आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसी कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके बताएंगे।